हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता महेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। लास्ट हिंदी की वीडियो में मैंने आपको व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक भाषा का कराया था। चलिए फिर हिंदी पाठमाला का मैं सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाती हूँ। देखिए, इस चैप्टर का नाम है प्यारी तितली। ये एक कविता है, ठीक है? चलिए रीड करते हैं। तितली रानी सुंदर पंख कहाँ से लाई हो, क्या तुम राजकुमारी हो जो परीलोक से आई हो। ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर भी इससे रिलेटेड होंगे। फूलों के तुम रंग चुराती, पास किसी के क्यों नहीं आती, इतने सुंदर रंग तुम्हारे कहां से तुम इनको पाती। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ने आते हैं। ओके, आपकी ये कविता कंप्लीट होती है। देखिए बच्चों, अभी हमने जो कविता पढ़ी है उसी के आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थान भरकर कविता का अंतिम छंद पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कविता के कुछ लाइंस दी हैं, बीच बीच में आपको ब्लैंक दिया है, तो इन लाइंस को हमें पूरा करना है। से क्या है, फूल तुम्हें भी क्या था यहाँ, अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ने आते हैं। देखिए, ये पंक्तियां आपकी कंप्लीट हो गई हैं। इस तरीके से आपको लर्न भी करना है और एक कॉपी में नोट भी करना है। ओके, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाते हैं, वो तुमको कैसे लगते हैं जो फूल तोड़ने आते हैं। ठीक है, ये हमारा छंद पूरा हुआ। आगे देखिए, सही पंक्ति के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ पर ये कुछ पंक्तियां दी हैं, अगर ये करेक्ट है तो उसके आगे राइट लगाएंगे, रॉन्ग है तो उसके आगे रॉन्ग लगाएंगे। जैसे तितली के पंख सुंदर होते हैं, यस। फूल किसी को भी अच्छे नहीं लगते, रॉन्ग, क्योंकि फूल सभी को अच्छे लगते हैं। तितली फूलों के रंग चुराती है, यस। बच्चों के मन को तितली नहीं भाती, रॉन्ग, क्योंकि तितली सभी को अच्छी लगती है। इसी की नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, यहाँ उदाहरण देखकर मिलती जुलती आवाज वाले शब्द मिलानी है, मतलब सेम साउंड होगी इनकी। जैसे यहाँ रानी, रानी को किससे मिलाया है, पानी। ऐसे यहाँ पंख, तो पंख को किससे मिलाएंगे, शंख। फूलों, झूलों, कहाँ, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से हमें सेम साउंड वाले शब्द मिलाने हैं। देखिए नीचे दिया है, उदाहरण देखकर शब्द बनाइए। यहाँ पर एक एक वर्ड दिया है और यहाँ एक ई दी है, सभी में ये ई मिलाकर एक नया वर्ड आपको बनाना है। जैसे आ ई, तो ये क्या बन गया, आई। ऐसे भा ई, तो यहाँ पर क्या बनेगा, भाई। उसके बाद पढ़ा ई, तो क्या बनेगा, पढ़ाई। फिर है लड़ा ई, तो ये क्या बन गया, लड़ाई। इस तरीके से ये हमारे शब्द बन गए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो आज हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, ये उसी से रिलेटेड यहाँ शब्द अर्थ और ये उसके प्रश्न उत्तर। यहाँ पर हम ऐसे ही नोट डाउन करेंगे, कॉपी में अपना पार्ट दो डालेंगे, चैप्टर का नाम डालेंगे, फिर शब्द अर्थ। परीलोक, परियों के रहने का स्थान। पाती, पाना। चुराती, चुराना। भाते, अच्छे लगना। तो ये शब्द ऐसे आपके एग्जाम में आते हैं, उसी तरीके से आपको इनका अर्थ लिखना होता है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। नंबर वन है, बच्चों ने तितली को क्या बताया है, बच्चों ने तितली को राजकुमारी बताया है। सेम हमें क्वेश्चन में से नोट करना होता है, केवल क्या की जगह हमारा क्या आया, राजकुमारी। ओनली हमें वन वर्ड लर्न करना है, बाकी हमें क्वेश्चन में से सेम नोट करना होता है। नेक्स्ट है, फूलों के रंग कौन चुराता है, फूलों के रंग तितली रानी चुराती है। थर्ड क्वेश्चन है, तितली के पंख कैसे होते हैं, तितली के पंख रंग बिरंगे होते हैं। फूल किस किस को अच्छे लगते हैं, फूल हम सभी को अच्छे लगते हैं। देखिए, अभी मैंने जो आपको बुक में एक्सरसाइज कराई है वो भी,
और ये कॉपीज में जो भी मैंने शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर दिए आपको, ये सभी आपको चैप्टर वाइज अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।